दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा और टीवी पर देखा भी होगा कि संसद भवन में ये जो पंखे लगे होते हैं वो उल्टे लगे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पंखों को उल्टा क्यों लगाया जाता है? दरअसल दोस्तों, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जब संसद भवन बना तो इसका गुंबद बहुत ही ऊँचा बनाया गया था। सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊँची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडों के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं जमी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। दोस्तों, तब से ही ये पंखे इसी तरह से लगे हुए हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज के टाइम में भी इन पंखों को उल्टा ही क्यों लगाया हुआ है। तो दोस्तों, संसद भवन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि आज भी यहाँ उल्टे पंखे ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि संसद भवन में उल्टे पंखे क्यों लगे होते हैं।